हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज हम अपने साइकिल को लेकर निकल पड़े हैं शॉपिंग करने। आज बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये हमारा साइकिल है, ये हमारा सबसे बेस्ट साथी है क्योंकि ये हमारा हमेशा हेल्प करता है। तो चलिए शॉपिंग करने। सेकेंड फ्लोर पे है, कब आएगा? आ जाओ। ये देखिए, हमारी स्कूटी में हम दो लोग जा सकते हैं, कितना अच्छा है ना। क्योंकि यहाँ के रोड बहुत अच्छा है इसलिए, और यहाँ पे अलाउ भी करते हैं। वैसे अगर पुलिस देख लेगा तो पकड़ भी सकता है, ऐसा नहीं है। पुलिस नहीं देखे तो अलाउ है, अगर पुलिस ने देख लिया तो चलान कट जाएगा। और इस ई स्कूटी के लिए भी हमें लाइसेंस रखना पड़ता है। आप लोगों को भी सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि इस साइकिल के लिए भी लाइसेंस लगता है, तो हाँ, इसके लिए भी लाइसेंस लगता है। और बाकायदा इसके लिए पेपर भी देना पड़ता है, एग्जाम देके फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिन बाद मैं अपनी स्कूटी में खड़ी हूँ। तो बस हम पहुंच गए हैं अलमदीना में। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि ये लोग खाली अलमदीना ही आते हैं। क्या करें, अलमदीना इज द बेस्ट। हम लुलु और अलमदीना ही प्रिफेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमें ग्रोसरी चाहिए होती है हमें यही मिल जाता है। तो आज भी देखिए, आज तो आप लोग देखिए हम क्या क्या सामान लेते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। ओके, और ये देखिए, ये साइकिल लेके हम अलमदीना तक आ गए, आई मीन शॉपिंग मॉल के अंदर। और इसको हम इधर पार्क भी करेंगे और कुछ भी नहीं बोलेगा। शॉपिंग मॉल के अंदर तक हम ले आ सकते हैं ये साइकिल को। एक्चुअली हम ये साइकिल इसलिए लाए हैं, जो भी सामान होगा हम इस पे रख के लेके जाएंगे। बड़ा खाली खाली लग रहा है मॉल, हम सुबह सुबह आए हैं इसलिए। बट इस टाइम पे ना सब्जी बहुत फ्रेश मिलती है, और थोड़ा सा अगर शाम तक आएंगे तो सब्जी थोड़ा सा खराब होने लगता है। खराब इन द सेंस कि थोड़ा सूख जाता है। तो अभी आने का फायदा यह है कि फ्रेश मिल जाएगा हमें। और सोनू साइकिल को लेके पूरा मॉल के अंदर तक जाएगा। ये देखिए, आराम से साइकिल लेकर खड़ा है, इसको इधर ही पार्क करेंगे। ये देखिए, साइकिल को हमने इधर पार्क कर दिया है यहाँ पे, और कोई भी नहीं लेगा। आपको लॉक लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस आप इसको डिस्कनेक्ट कर दे फोन से। आप इसको फोन से कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो? सॉरी, इसको फोन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो फिर कोई भी लेके नहीं जाएगा। और अगर कोई इसको टच भी करेगा तो अलार्म आ जाएगी फोन पे। नहीं सुनो, ये देखो मेरा क्यूट सा साइकिल, इसको पावर ऑफ कर दो। ना ना ना, ब्लूटूथ ऑन करो अपने आप। अच्छा, इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करोगे? ये देखिए, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो रहा है। कितना सिक्योर है यहाँ पे, आई मीन कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। बस ये लॉक हो गया, ये देखिए ये लॉक हो गया है। अभी ऐसे रहेगा और हम जाएंगे शॉपिंग करने। चलो चलो चलो, बास्केट ले लो।
ये कितना फ्रेश लग रहा है। मेथी शाग मिल, मेथी शाग कितना फ्रेश है, दो ले लो। ये आ रहा है खुशबू, दो लोगे तो हो जाएगा, दो मिले एक बारे होगे। सोनू मेथी शाग देख रहे हैं, मैंने कहा दो दो ले लो मेथी शाग, क्योंकि छोटे छोटे होता है ना एक गड्डी में, ये देखिए इतना सा होगा, तो उतने से में इतने में तो सिर्फ मेरे को होगा, इसलिए हमने दो लिया। और इसका प्राइस होता है 1 dirham, ये एक गड्डी 1 dirham, 2 dirham में दो गड्डी, गड्डी बोलते ना। बस शाक तो ले लिया, अब क्या लेंगे हम। इधर ये सरसों साग भी है, ये सरसों साग है ना सोनू, ओ 0 rupees है, 0 rupees, 95 dirham। ये सरसों साग पर उतना अच्छा नहीं है, ये मुरझा गया है, सूखनो, ये देखे नहीं शाग भले लगे। कोमड़ी शाग इसको नहीं, नहीं एक ही रहने दो, फिर सूख जाता है, बाद में ले लेंगे। ये देखो क्या करेंगे, ये जब भी आते हैं यहाँ से बस लेके और धोते भी नहीं, ऐसे साफ करके पैंट में और खा लेगा। किसी दिन देखेंगे ना ये, वो भी देखना, आपको कहेंगे कि आप तक जितने खाया हो सबके पैसे पहले आप निकालो। और अभी हमें लेना है आलू, आलू तो बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे वाला लेना सुनू। एक्चुअली ना मुझे छाटना नहीं आता है, मैं एक आलू छाटने जाऊंगी तो मेरे 5 minutes लगेगा, और इन सब कामों में मेरा सोनू बहुत एक्सपर्ट है, जल्दी जल्दी डिसाइड कर लेता है कौन सा लेना है क्या लेना है। हमने कुछ प्याज भी ले लिया है, बस ये हमने प्याज ले लिया है, प्याज का रेट है 3.25 dirham। अभी हम ले रहे हैं कुछ गाजर, देखिए कितना सुंदर है ना, फ्रेश एकदम, अभी सुबह आएंगे तो फ्रेश सब्जी ही मिलेगा। तो हमने आलू ले लिया है, प्याज ले लिया है, और अभी हम ले रहे हैं गाजर। सुनो कम लेना हाँ, ठीक है इतना ठीक है। ये देखते कितना सजा के रखा है, बैगन, दो बैगन ले लूँ ओनली, बस हाँ। अब हम आए हैं कॉलीफ्लावर लेने, इसका रेट है 4.99। ये देखिए इतने सारे फूलगोभी है, बट ये न्यू वाला नहीं है, स्टॉक वाला है, न्यू वाला अभी तक नहीं आया यहाँ पे। हमने ले लिया है ये वाला वाटरमेलन, ये वाटरमेलन है वही कहते हैं, क्या है मतलब उसी कैटेगरी का है, उसी फैमिली का है। इधर रेड वाले वाटरमेलन है, तो हम कंफ्यूज हो गए कि रेड लेना है कि येलो लेना है। चलो कौन सा लेना है, रेड और येलो, ये वाला थोड़ा ज्यादा ही लाल है। अभी हम आ गए हैं दाल लेने और मसाला लेने, तो हमने ले लिया है क्यूमिन सीड और ब्लैक पेपर और इलायची, तीन मसाला हमने ले लिया है। हम कुछ आइटम भूल गए थे, तो शनु ने कहा हमें वो स्टार मसाला भी चाहिए, तभी फिर दे रहे हैं। एक न्यू मसाला वो देखिए क्या नाम है सुनो, स्टोन फ्लावर। भाई ये तो मैंने पहली बार सुना, मुझे इसका नाम ही नहीं पता था, अरे मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। ये सोनू जब बोल रहा है कि वो स्टोन फ्लावर दे दो, तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो कह रहे कि इसका खुशबू बहुत अच्छा है, ये मसाला है। मैंने कहा ओके, मुझे नहीं पता था। बहुत सारा मसाला ले लिया है, ये देखिए केला, ये बनाना पूरा इसके साथ लगा है, और ये बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला बनाना, मैंने एक बार खाया था। इसका रेट है 12.99 dirham, बहुत महंगा है। ये देखो अभी हम आ गए हैं ऑयल लेने, मस्टर्ड ऑयल तो हमें मिल गया, बट इसका रेट जरा देखिए 29.7,
29.95 दिराम जो कि बहुत महंगा है, और इधर है 34.95। और ये 5 लीटर का है। सुनो कहाँ गए? इधर सब ऑयल है, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, हर तरह के का है। वो क्या मस्टर्ड ऑयल है? 5 लीटर? 5 लीटर? 2 लीटर? हाउ मच? 25 दिराम। ओके, ये कौन सी कंपनी है जो? यूनिशेफ। अच्छा है, लेके देखो। अभी हमें लेना है घी। यहाँ पे हमें घी में कोई भी ऑफर नहीं मिला, तो हम सोच रहे शाम को हमें विवाह में भी जाना है, तो उधर से हम ले लेंगे। तो अभी हमें सिर्फ रह गया है दाल लेना। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के दाल है। हमें लेना है मूंग दाल और मसूर, तूर, इधर है चावल गिरा है। हाय, यहाँ पे देखिए सारे चावल के बैग गिर गए हैं। मे बी ये लोग सही इधर सही करके रख रहे हैं, इसलिए। हमने 5 kg का डिटर्जेंट पाउडर ले लिया है, और इसका रेट है 11.99 दिराम। और हमने लिया है ये वाला कंपनी, कौन सा है ये? सेफ्स डिटर्जेंट पाउडर। मॉल में आए हैं और बिना फिश देखे चले जाएंगे, ऐसा कभी हो सकता है? और ऊपर से हम बंगाली है, मछली तो हमें चाहिए ही होता है। तो चलिए थोड़ा सा फिश सेक्शन में भी जाएंगे और देखेंगे कि आज फिश का क्या रेट है, अगर कोई समझ में आएगा तो ले लेंगे। बस पूरा शॉपिंग हमारा हो गया है, फिश भी हमने देख लिया, और अभी आ गए हैं बिलिंग कराने के लिए। आज लगता है होम डिलीवरी के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा सामान है। हम अच्छे बच्चे हैं, घर से बैग लेके आते हैं, प्लास्टिक यूज नहीं करते। ये देखिए हमारा बैग है, और आई थिंक एक बैग पूरा हो जाएगा सामान से, और इसको हम होम डिलीवरी देंगे। टोटल हमने 98.25 दिराम का शॉपिंग किया है, जो कि इंडियन रुपीज में होता है कितना, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जरा रुकिए। ये देखिए इतना लंबा बिल है। कूपन भी मिलेगा? कूपन मिलेगा, 3 कूपन हमें कूपन भी मिला है, क्योंकि हमने 98 दिराम का शॉपिंग किया है। उसके अंदर ड्रॉप करना है ना, ऑलमोस्ट 100 दिराम का हमने शॉपिंग किया है। 100 दिराम मतलब इंडियन रुपीज में होता है, चलो कितना होता है इंडियन रुपीज में? आई थिंक 2200 रुपए, 2200 रुपीज का हमने शॉपिंग किया है, इसलिए हमें 3 कूपन भी मिला है। इस कूपन का क्या बेनिफिट है? इधर से होम डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो सामान हम इस बास्केट में रख देंगे और ये लोग पहुंचा देंगे रूम पे। और हमें जो कूपन मिला है ये है, 3 कूपन मिला है। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट तुम्हारा नंबर को विंटर ड्रिंक, इसमें हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। 272 ये तो 2 कूपन पे मेरा नाम लिखा है और 1 कूपन पे अपना नाम लिखा है। लेट्स सी किसके नाम का आता है। सामान हमने इस बास्केट में रख दिया है, और विद इन 2 आवर्स में ये होम डिलीवरी हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं कूपन को इस बॉक्स में डालने के लिए। ये देखिए ये 3 कूपन का 3 पीस हमने रख लिया है, नंबर दिखे सर। हाँ, और ये 3 इसमें डालना है बॉक्स में। इसमें बहुत सारे कूपन है, ओ माय गॉड, हमारा नाम आएगा इतने सारे कूपन में से।
हाँ डाल दो, बस दूसरा और एक तीसरा। ओके हे भगवान प्लीज भोलेनाथ प्लीज हमारा नाम आ जाए। गिफ्ट क्या कहते, क्या क्या गिफ्ट है पढ़ के बताओ। इसमें 12 विनर को मिलेगा कार, 12 को मिलेगा 15 प्रो, 4 को मिलेगा टूर और 7 को मिलेगा 1 मंथ शॉपिंग वाउचर। ये भोलेनाथ हमें 2 कार मिल जाए एक कार मिल जाए, एक आईफोन मिल जाए और टूर मिल जाए, बस 3 कूपन में 3। ये भगवान एक आईफोन 15 प्रो आ जाए फिर मुझे कैमरा नहीं लेना पड़ेगा। और ये हम आ गए हैं अपने साइकिल के पास और सोनू अभी इसको अनलॉक करेगा और अभी हम चले जाएंगे रूम पे हमारे साइकिल पे बैठ के। ये देखिए साइकिल जहाँ था वहीं पे एज इट इज खड़ा है, किसी ने टच भी नहीं किया इसको। और अभी इसको अनलॉक करके हम चले जाएंगे रूम पे। ये देखिए ये अनलॉक हो गया है, चलो। शॉपिंग हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने सामान सारा डिलीवरी के लिए डाल दिया है, होम डिलीवरी के लिए। और मैंने सोनू को बोला अब मुझे थोड़ा साइकिल में बिठा के घुमा के लेके आओ, लॉन्ग रूट ले लो, मुझे अभी रूम पे नहीं जाना है। तो हम दोनों निकल पड़े हैं हमारे साइकिल को लेके घूमने। और ये देखिए दुबई कितना खूबसूरत है दिन में, रोड पे कोई भी ज्यादा लोग नहीं है अभी क्योंकि अभी ड्यूटी का टाइम है, सब लोग ड्यूटी में। वीकेंड में बहुत ज्यादा भीड़ होता है। हम मेन रोड से जा रहे हैं वो भी साइकिल लेके और डबलिंग करके। ओहो बहुत मजा आ रहा है मेरे को। अरे आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबको बाय बाय, थैंक यू।